हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। बेसिकली आज हम लोग को इस गेम में चैलेंज है कि भाई $1 मिलियन कमाना है कैसे भी करके। तो आज हम लोग सबसे पहले भाई ड्रैग रेस करेंगे और गाड़ियां बेचेंगे और बेच के 1 मिलियन का जो चैलेंज है उसे पूरा करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि दो गाड़ियाँ हैं जो मैंने पर्सनल यूज के लिए रखा था, एक लाफरारी और एक प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक और कार भी रखा था जिसका नाम है लेम्बोर्गिनी। वो टॉप मॉडल थी, मतलब टॉप मॉडल नहीं बोल सकते हैं, 1788 ऐसे करके थी मॉडल वो। तो वो गाड़ी, ये दोनों कार को पहले स्पीड टेस्ट करेंगे भाई, क्योंकि मुझे जानना है कि सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी कार मेरी जा सकती है। तो भाई मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि ये जो ट्रक लगी रहती है ना, ये ट्रक हम लोग को वहाँ ले जाती है, हाईवे पे ले जाती है, और हाईवे पे ले जाके हम लोग स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम अपनी पहली कार जो है ला फरारी है, इसको ही स्पीड टेस्ट में ले चलेंगे। भाई देखो, ये आदमी है ना, ये पैसे लेता है और पैसे लेके हम लोग को हाईवे तक छोड़ता है भाई। तो अपने कार को ऊपर चढ़ा, भाई देखो थोड़ा सा डैमेज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, डैमेज है बन जाएगी, लेकिन स्पीड टेस्ट जो है उसको करना है। तो ये $30 है भाई, फॉरेस्ट में चलेंगे क्योंकि हमें हाईवे से मतलब है, फॉरेस्ट में जाए या डिजर्ट में ले जाए, लेकिन फॉरेस्ट में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बेसिकली भाई चेक करेंगे कि ये मतलब 0 से लेके और 100 के स्पीड कितने सेकंड में जाती है भाई। तो जैसे कि ये पहले जा चुकी है एक बार 0.67 सेकंड में 100 किलोमीटर, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और ये देखिए, ये भाई 100 पार कर गई है भाई, ये देखो 136 भाई, ये 300 में जाएगी क्या पता नहीं हमको, ये 160 170 भाई, और 180 क्रॉस कर गई, और ये भाई 200 क्रॉस कर गई है कार, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड जा रही है, और ये 230 भाई, और आगे बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग अब। और ये देखो, ये 250 पार कर चुकी है, और भाई ये 300 के करीब जा रही है मेरी ये कार, और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखते हैं कितनी स्पीड जा सकती है भाई, 290 बहुत ही ज़्यादा स्पीड है भाई, स्पीड तो है, ये 300 पार कर चुका है भाई, 300 स्पीड। और ये देखो 309 12 13 भाई, हम लोगों ने धीरे कर दिया। ओ माय गॉड, ये भाई 313 स्पीड से ये जा रही है कार, गजब, बहुत लाजवाब। तो इसको लेके चलते हैं हम लोग और इसको लगा के, और भाई अब अपनी जो दूसरी कार है लेम्बोर्गिनी उसको टेस्ट करेंगे। तो ये आ चुके हैं अपने लेम्बोर्गिनी के पास, अब इसको टेस्ट करेंगे भाई कि ये 0 से 100 के स्पीड में कितने सेकेंड में जाती है, इसको चेक करेंगे सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, और ये जा रही है हमारी लेम्बोर्गिनी। भाई मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि इसको हमने बहुत दिन तक अपनी पर्सनल कार रखा है, शुरू से लेके लगभग के वीडियो में ये मेरी पर्सनल कार रह चुकी है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं और जाके और चेक करते हैं एक बार फिर से कि भाई कितने जाते हैं। तो फिर से एक बार भाई, पहले वो लड़की थी, अब की पारी ये है, अब फिर से एक बार फॉरेस्ट में चलेंगे। बेसिकली ये थोड़ा बड़ा ड्रैग देता है जिसमें हम लोग रेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये भाई इसका जो है ना, सबसे बड़ा गलती हम लोग का था ना, देखो ये 10 सेकंड लगा दिया भाई, वो 6 पॉइंट कुछ सेकंड लगाया था। तो भाई ये तो फेल हो गई, ये लेम्बोर्गिनी फेल हो गई। मेन बात है ना, इसका सबसे फेल होने का बड़ा कारण है ना, हम लोग इसमें ड्रिफ्ट की किट लगा दिए ना, इस वजह से ये ड्रिफ्ट करके, ये देखो ये बैलेंस, ये ब्रेक लेता है थोड़ा सा भी, अगर गाड़ी अनबैलेंस होता है ना वहाँ से वो अपना स्पीड कम कर देता है। तो भाई अप्रोक्सली 200 के स्पीड तो पकड़ चुकी है, देखते हैं आगे और जाती है, जा पाती है कि नहीं, 300 क्रॉस कर पाती है कि नहीं। भाई 220 हो गई है स्पीड इसकी भाई, अब पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है कि 250 भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत है इसके लिए। और ये भाई 250 कंप्लीट कर चुकी है लेम्बोर्गिनी, 255 270 260 भाई, ये अप्रोक्स 300 जाएगी क्या, देखते हैं, चेक करते हैं। 270 भाई, ये देखो ये ड्रिफ्ट अप मारने वाली है, 270 भाई, 280 पार कर चुकी है, और ये देखिए गई भाई, 280 हाईली इसका है, 283 गई है, और ये 0 से 100 का स्पीड है भाई 10.1 सेकेंड, भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो भाई इसको हम बेच देने वाले हैं अब इस वीडियो में, क्योंकि इतनी लेट अगर ये गाड़ी जाएगी भाई तो ड्रैग रेस
मुझे लगता था मैं पहले बहुत ज़्यादा ड्रग रेस आ रहा हूँ, आप लोग वीडियो में जैसे देख सकते हो, तो मुझे लगता था कि भाई इस गाड़ी में पावर है नहीं उतना, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है ना। नए मॉडल का जो लैम्बोर्गिनी है ना, वो सब आती तो और ज़्यादा मज़ा आता भाई। लेकिन कुछ नहीं, इसको बेच के अब भाई अब क्या करेंगे, अब ड्रैग रेस खेलेंगे, क्योंकि कार मार्केट वर्केट का प्लेस ओपन है नहीं, कुछ कर नहीं सकते भाई। तो लैम्बोर्गिनी को फटाफट से हम लोग लगाएंगे और लगा के और चलेंगे ड्रैग रेस खेलने। तो भाई ये अपने लैम्बोर्गिनी को लगा चुके हैं हम लोग, अब चलते हैं हम अपने। ये भाई लग क्यों नहीं रही है यार, भाई डूल जाती है, थोड़ा सा स्पीड का इशू है, और इसे लेके चलते हैं भाई ड्रैग रेस में। और ये साफ़ सफाई पूरे हो चुकी है भाई, इसको देखते हैं ये मॉडल कौन सा है। ये 2008 मॉडल है भाई, सबसे टॉप मॉडल अभी तक मेरे पास यही कार है, और इसी कार से हम लोग ड्रैग रेस करेंगे भाई। बहुत सारे ड्रैग रेस जीता चुके, एक लाफरारी भी जिताई थी पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, और एक लाफरारी जिताई भाई, और एक ये भाई, ये गाड़ी बहुत लकी है मेरे लिए, और मैं इसे नहीं बेचूँगा अभी। जब तक कि इससे बढ़िया कोई कार नहीं मिल जाती, तब तक मैं नहीं बेचूँगा इसको। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं ड्रैग रेस खेलने के लिए, और जहाँ ड्रैग रेस होता है वहाँ भाई आज तीन तीन गाड़ियाँ हैं जिससे हम लोग को ड्रैग रेस खेलना है भाई। कोई टक्कर की कार तो दिख नहीं रही है, लेकिन ठीक है, बात कर देख पता करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है पैसे। ये भाई $135 दे रहा है ड्रैग रेस में, और ये 310 भाई ये सबसे ज़्यादा दे रही है आई थिंक, और ये 276 भाई, इसी से बात करते हैं। ये देखो यार, ये दाम घटा दिए अपने यार, 310 था इसका, 239 कर दी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इससे खेल लेते हैं भाई, लड़की है, लड़की का दिल नहीं तोड़ते। तो चलते हैं ड्रैग रेस में, और ड्रैग रेस में लेके भाई, अब गाड़ी में जान है, वो गाड़ी इतनी हल्की नहीं है भाई, $1.5-2 लाख की वो गाड़ी कार आती है। मेरे कार से सिर्फ $1 लाख कम है वो कार का प्राइस, लेकिन कोई नहीं, ड्रैग रेस खेलते हैं भाई, और लेके चलते हैं भाई। 3, 2, 1 गो भाई, चल दी, वो सबसे पहले निकली है भाई। तो ये मेरा लेट शिफ्ट है भाई, तो इसीलिए मैंने नोज मार दिया, क्योंकि मैंने गियर गलत डाल दिया था, फिर गुड शिफ्ट डाल दिया एक बार, और भाई ये जीत गया मैं रेस, वो हार गई भाई। इतनी कबाड़ा गाड़ी लेके भी इतना ज़्यादा आगे आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो अब आज की सेकेंड कार भाई, हमको लगता है कि BMW से हम लोग को करना चाहिए, प्राइस नहीं मैटर करता है, $334 का है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं ड्रैग रेस में, और इसको भी हराएंगे भाई। ये पता है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करवा के रखते हैं, और इन लोगों को पता होता है ना, गाड़ी भले ही ख़राब होती है, लेकिन गियर लगाना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है, और मेरा गड़बड़ हो जाता है भाई गियर लगाने में। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग रेस हार चुका हूँ गियर लगाने की वजह से। कोई नहीं, लेके चलते हैं भाई, और ये 3-2 हो गया है, 1 गो भाई, सबसे पहले वो निकली है, और सेकेंड में मैं निकला हूँ, और ये भाई मेरा गियर सही से भाई उसने नोज़ मार दिया। देखो ऊपर जैसे देख सकते हो, मैं नोज़ नहीं मारता तो वो हार जाता यार, ये देखो एकदम पीछे, एक सेकंड के लिए वो बस था, मैंने 0.2 सेकंड में वो 100 मीटर चल गया था भाई। एक और कार जो मैंने पहला ड्रैग रेस खेला था ना, सेम वही कार है भाई, और ये है लाफरारी मेरी भाई। वो कार हल्के में मत लो, वो कार बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड जाती है भाई। इंजन को स्टार्ट करते हैं, गियर को अप करते हैं, और चलते हैं अपने लाइन पे भाई। ये लाइन है, अगर इसको आप लोग क्रॉस कर देते हो ना बिना किसी चीज़ के, आप ऐसे ही टर्मिनेट हो जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। 3, 2, 1 गो भाई, फिर से उसने निकल, मेरे को दिक्कत हो जाता है ना, वो वन बोलने पे निकल जाती है सब, और मेरा है कि जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरे कार नहीं निकलेगी। बेस शिफ्ट, और फिर से भाई मैंने निट्रो मार दिया है, और निट्रो मार के मैं पहुँच गया हूँ। तो बेसिकली आज का हमने तीनों का तीनों जो है भाई ड्रैग रेस जीत गया है। आई थिंक $1,000 से तो आज आ गए होंगे $1,000 तक। कोई नहीं भाई, और आज कम से कम $1 मिलियन भाई हम लोगों को कमाना है इस गेम में। और तो चलते हैं फटाफट से हम अपने ऑफिस, और ऑफिस में चल के और देखते हैं भाई कोई उपाय करेंगे कि कैसे कमाएं। बेसिकली भाई हम लोगों ने आप लोग देख सकते हैं पिछले, ओ यार इसको उठा के हमने पलट दिया, अपने लाफरारी को ऐसे उलट दिया यार, इसको पीछे करते हैं और लाफरारी को सही करते हैं, क्योंकि भाई बहुत महंगी आती है वो जीती हुई कार थी, बहुत बहुत मेहनत से हम लोगों ने इसको मतलब जीता था। ये देखो अंदर नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको
पार्किंग स्लॉट में डाल देते हैं भाई, इजीली पार्किंग स्लॉट में जाएगी और इस पे चलते हैं इसको चला के और फिर से जहाँ थी वहाँ कर देते हैं। तो भाई ये आ गई इधर, हाँ घुमा लेते हैं इसको और घुमा के फिर लगाते हैं भाई। लग गई आज कम से कम भाई, कैसे भी करके मुझे अपना जो टास्क है उसे पूरा करना होगा, नहीं कर पाएंगे भाई फिर बेइज्जती हो जाएगी यार। तो चलते हैं इसको, और इसको भी लगा दिया हमने। तो भाई मैंने पहले जो है ना कार ऑक्शन में एक ख़रीदा था, ऑडी RR जो था वो ख़रीदा था, और उसे मैं लेके चलता हूँ अपने भाई, इसी को बेचेंगे, इसको भी बेच देंगे, और ये अच्छे खासे हमने प्राइस में ख़रीदा था लगभग $500,000 में भाई। तो ये मुझे लगता है कि $1 million दे के जाएगी इकलौती, देखते हैं कितना तक जाती है भाई। मॉडल थोड़ा ओल्ड है लेकिन गाड़ी एकदम टू टंच है, एकदम मतलब बेस्ट कार है अभी तक का, मतलब अभी तक का नहीं सॉरी, ये अभी मतलब बेस्ट कार है। इसमें कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी डॉलर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से भाई इसको साफ़ कर लेते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट लगा पड़ा है हमको दिख रहा है जैसे कि। तो इसको सबसे पहले साफ़ कर देते हैं, बम्पर इसका साफ़ कर देते हैं भाई, क्योंकि साफ़ करने पर ना प्राइस अलग ही लेवल का जाता है। अगर आप गाड़ी को डर्ट रखते हो और पोल्यूट रखते हो ना, तो गाड़ी बहुत सस्ते में जाती है, उतनी महंगी नहीं जाती जितना महंगा हम लोग चाहते हैं कि ख़रीद लें, तो इस वजह से उतनी महंगी नहीं जाती है भाई। दोनों गाड़ियों को हम लोग वॉश करेंगे, इसको और इस लैम्बोर्गिनी को, रेड लैम्बोर्गिनी दोनों को बेचेंगे भाई, क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी भाई इतना ड्रिफ्ट मार मार के मुझे हड़वाई है ना, मैं ही जानता हूँ। तो चलते हैं इसको और इसको सेल पे लगा देते हैं अपने ऑडी RR को। भाई बहुत सारी कारें हैं हमारे पास शोरूम में, और ये अभी अभी लिया है 2018 मॉडल है भाई, 8 बोलने वाले थे, 2018 मॉडल है। और तो भाई इसको हम लोग चलते हैं फिर से, और भाई $565,000 में हम लोगों ने ख़रीदा है इसको। तो देखते हैं भाई कितने बिक जाएगी, ये इसमें दिया है भाई हाईली ये 8,05,000 तक जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, 8,10,000 इसका प्राइस डालते हैं, चेक करते हैं एक बार। तो ये जाएगी क्या 8,10,000 में, 8,10,000 इसको डालते हैं भाई, $810,000 ये गया, सेल पे लगा दिए हैं। अब भाई बची है मेरी ये लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी कौन से भाई रेड कलर की, इसको पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 लैम्बोर्गिनी है भाई, लॉर्ड मस्टैंग नहीं बेचना है, ये लैम्बोर्गिनी कच्चा गई, ये जो रेड है भाई इसी को बेचना है, और ये बाहर भी लगी हुई है। तो भाई $550,000 की ये भी है, तो आई थिंक ये भी 7,26,000 में जाने वाली है भाई, 8,00,000 मांगते हैं इससे, और 8,00,000 में आई थिंक चली जाएगी ये कार। तो दोनों पे सेल लगा दिया हूँ, और भाई ऑफिस को ओपन करते हैं और वेट करते हैं भाई कि कोई ग्राहक आ जाए। देखो ये है मेरी कार, इसको वॉश कर लेते हैं लैम्बोर्गिनी को, क्योंकि लैम्बोर्गिनी को हम लोगों ने वॉश नहीं किया था, ऑडी RR को किया था, सॉरी इसको छोड़ दिया था यार किस लिए मुझे नहीं पता। तो इसको भी कर देते हैं वॉश, तब तक मेरे कोई ग्राहक आ जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं कस्टमर आ जाएंगे, उससे हम लोग देखते हैं ये दोनों गाड़ियाँ बेच के हम लोगों के $1 million पूरते हैं कि नहीं भाई, हो पाते हैं कि नहीं $1 million। तो आई थिंक मेरे ये लैम्बोर्गिनी के लिए आ गई है भाई एक, तो ये कितना मांग रहा है, $800,000 मैंने डिमांड किया लैम्बोर्गिनी का। और भाई ये ग्लिच देखो फंस गया ग्लिच की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ग्लिच आते रहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग 6,00,000 बोल रहे हैं भाई, $700,000 में दे देगा, $700,000 में, $700,000 डिमांड करते हैं। ओ माय गॉड ये बिक गई भाई, बिक गई ये कार, बिक गई। अब बची है मेरी ये ऑडी RR भाई, ऑडी RR में भी एक ग्राहक आ चुके हैं भाई, मैंने नहीं देखा था इनको, और इनसे भी बात करते हैं भाई, 8,10,000 प्राइस रखा है भाई, देखते हैं 8,10,000 में ये ज़्यादा देगा, ये $673,000 दे रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बार्गेन करते हैं, और ये 7,00,000 में मान जाएगा इजिली मुझे पता है। तो इसे भाई थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते हैं, 7,99,000 मांगते हैं भाई, दे देगा तो चांदी ही चांदी है, 7,90,000। चलो कैन यू प्राइस विद रूम ऑन प्राइस, भाई इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरा ये प्राइस भाई, $700,000 बोलते हैं भाई, ले गया ये $700,000 में एकदम झटके से ले गया भाई। तो मेरा आज का जो भाई चैलेंज था $1,00,000 का, वो पूरा हो चुका है, और देखते हैं भाई
मैंने पूरा कर लिया अपने चैलेंज को और चलते हैं आराम से भाई। अब नींद आ रहा है सोने, तो चलते हैं नेबरहुड भाई। नेबरहुड में मेरा घर है, मैंने लिया था लग्जरी घर। अगर ये लेते समय आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और वीडियो को देखिए कि कौन सा मैंने कितने में लिया है। तो चलते हैं भाई और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। देखो ये हम लोगों ने 1 मिलियन पूरा किया भाई। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।